बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको मेज़बान मोहम्मद साई, तो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेक्निकल साई। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर के इलाका चूंग कब्रिस्तान में जो वाकया है, जो आज से जो 14 दिन पहले दफन किया गया था, उसके वालदे ने दफना दिया था, वो सब कुछ जाने के लिए वीडियो के साथ जुड़िए रहिए। और ये यूट्यूब चैनल को अगर न्यू आए हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करके और साथ में बेल वाला बटन को ऑल कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरह ये मामला पेश आया है, कि कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। साथ ही एक मेला था, वो मेले पर जब लोग आए उन्होंने देखा आज से 8 दिन पहले की आवाज़ आ रही है, लेकिन हुकूमत ने भी ऐलान नहीं किया कि उसको बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो वो जो लड़के हैं वो एक उसके वालदैन और बहन भाई सब आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारा भाई ज़िंदा है, आप क्यों नहीं निकालने देते, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, वो ट्रैक नहीं निकाल सकते। तो बहुत ही लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको आगे मैं दिखाऊंगा किस तरह हमारा ये इधर के हालात चल रहे हैं। वो जब कब्र खोदी गई है तो अल्लाह की नेमत, उसमें से कितना अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्तों। अल्लाह की ताकत देखकर आप गौर फिक्र से बाहर आ जाएंगे कि किस तरह अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा हो जाएगा। कि आगे मैं चल के दिखाता हूँ, आगे वीडियो आ रही है जिस तरह, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही मेला ये देख सकते हैं, बैक ये एक झूला लगा हुआ है, बेड़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर बेड़ा लगा हुआ है, तो बहुत ही इधर भीड़ है। तकरीबन 501,000 लोग इधर जमा हुए हैं। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमें भी पता चले कि ये क्या माजरा है क्या नहीं। तो आगे अगले वीडियो का कीजिएगा इंतज़ार, देखते रहे यूट्यूब चैनल टेक्निकल साजी। नेक्स्ट वीडियो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ।